सो दोस्तों, कभी कभी हमें ऐसे सेंटेंसेस को बनाने की जरूरत पड़ती है, जैसे मैं कहूँ कि फिर भी आपको वहां पे जाना पड़ेगा, फिर भी वह आपसे मिलेगा, फिर भी मैं ऐसी बात नहीं करता। सो दोस्तों, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम इवन देन का यूज करते हैं। सो चलिए हम इसे समझ लेते हैं कि कहाँ पे और कैसे ऐड करेंगे ताकि हम पूरा सेंटेंस बना सके और सेंटेंस को बनाना सीख सके। सो दोस्तों, जब हम ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं, सो सेंटेंस से पहले हम इवन देन का यूज करते हैं और उसके बाद हम अपना पूरा सेंटेंस रख देते हैं। चलिए हम सेंटेंस को बना के देख लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है और भी क्लियर हो जाए। जैसे मैं कहूँ, फिर भी आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी, इवन देन यू विल हैव टू टॉक टू मी, फिर भी आपको वहां पे जाना पड़ेगा, इवन देन यू विल हैव टू गो देयर, फिर भी वह यहाँ आता है, इवन देन ही कम्स हियर। सो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।